2024 साल चल रहा है लेकिन आज भी बॉलीवुड वही पुराने घिसे पिटे टॉपिक के ऊपर मूवीज बनाता आ रहा है। वो कैसे आएंगे इसके ऊपर, तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वेदा मूवी के बारे में, जिसकी लेंथ तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास है। 15 अगस्त को काफी सारी मूवीज रिलीज हुई है, वेदा हो गई, स्त्री 2 हो गई, खेल खेल में होगी, साउथ की मूवीज हो गई। वैसे मैंने सारी देख ली है लेकिन इनका रिव्यू करने में ऑब्वियसली मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि कुछ काम है, मेरे भी जॉब करता हूँ तो उसके रिलेटेड नहीं कर पाया। क्या तो अभी हम बात करते हैं जो वेदा मूवी है इसके अंदर हमें कहानी क्या देखने को मिलने वाली है। वेदा नाम की एक लड़की है जो एक दलित परिवार से दिखाई गई है। दलित वाला कॉन्सेप्ट क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर दलित वर्सेस स्वर्ण दिखाया गया है। बाड़मेर का रीजन मतलब कि राजस्थान का बाड़मेर का इलाका इसमें हमें देखने को मिलता है, जहां पर स्वर्ण जो है वो दलित के ऊपर काफी अत्याचार कर रहे हैं, उनको सही से जीने नहीं दे रहे। इवन उनके पीने का जो पानी है वो भी अलग रखा गया है। जो स्वर्ण है वो वाटर कूलर से पानी पियेंगे, जो दलित जो लोग हैं वो घड़े का सादा घड़े का जो है वो सादा पानी पियेंगे। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। जो वेदा है वो बॉक्सिंग करना चाहती है लेकिन जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उसको बॉक्सिंग नहीं करने दे रहे, उसको उसका नामांकन भी फिल नहीं करने दे रहे। इसके अलावा जो वेदा की जो फैमिली है उसके ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उसकी परिवार की जान को खतरा आ जाता है, वेदा की जान को खतरा आ जाता है। तो इनको बचाने के लिए एक आर्मी ऑफिसर जो कोर्ट मार्शल हुआ है वो आता है। अब वो कैसे इनको बचाता है, वेदा को वो लड़ना कैसे सिखाता है, वेदा इस भेदभाव के कैसे अपने आप को बचा पाती है या फिर वो कैसे इसके खिलाफ लड़ती है, अपनी आवाज उठाती है, इन तमाम सवालों के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी या नहीं ये हम इस वीडियो में डिसाइड कर लेंगे। फिर आप खुद सोच लेना कि हाँ यार देखनी है कि नहीं देखनी, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं इस मूवी के अंदर। तो हम बात करते हैं कि इस सीरीज में अच्छा क्या है जो इस मूवी को देखने लायक बनाता है। मैं सच कहूं इसके बारे में जब मैं ये मूवी देखकर बाहर निकला तो काफी देर तक मैं बैठा रहा ये सोचने के लिए कि यार इस मूवी में अच्छा क्या है, क्या लिखूं इसके अंदर मैं अच्छे में। तो एक जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये कि जो इसके अंदर एक एक्टर है अभिषेक बनर्जी जी, उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी बढ़िया लगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले स्त्री 2 मूवी देखी थी, उसके बाद मैंने वेदा देखी। तो स्त्री 2 की जो मूवी है उसके अंदर भी अभिषेक बनर्जी जी ने काम किया है और वेदा मूवी के अंदर मेन विलन के तौर पर अभिषेक बनर्जी जी ने काम किया। तो यहां पर जो उनकी परफॉर्मेंस में जो चेंज देखने को मिला, उनके एक्सप्रेशन में जो चेंज देखने को मिला वो वाकई में काबिलियत तारीफ है, बहुत बढ़िया लगा है उनकी परफॉर्मेंस देखकर। तो इकलौती यही चीज जो है मुझे अच्छी लगी है वेदा मूवी के अंदर। तो ये अच्छी अच्छी बातें हुई। अब बात करते हैं इस मूवी में जो हमें कमियां देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी कमी जॉन अब्राहम जी। अब यार आप एक चीज देखो, उनकी परफॉर्मेंस आप पिछली मूवी में देख लो या उनसे पिछली मूवी में देख लो या इस नई वाली यानी वेदा मूवी के अंदर देख लो, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा यार ये वही मूवी हम देख रहे हैं जो इससे पिछली वाली मूवी जो रिलीज हुई थी, क्योंकि एक बस आप नाम हटा दो, कोई भी सीन उठाकर इसके अंदर लगा दो पुरानी मूवी का, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि पुरानी मूवी का सीन है या नई वाली मूवी का सीन है, क्योंकि वही सेम परफॉर्मेंस, वही सेम मार धाड़, उसके अलावा वही सीरियसनेस, कोई भी नया एक्सप्रेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अरे कुछ नया ट्राई करो, जनता कुछ नया देखना चाहती है, लेकिन नहीं, आप वही पुरानी चीजों के साथ चिपके हुए। फिर इसके अलावा एक दलित वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिखाया गया है, दलित वर्सेस स्वर्ण। ऑब्वियसली पता नहीं ये कहां से लेकर आए हैं। तो उम्मीद की जाती है कि क्लास डिफरेंस दिखाया जाएगा, बहुत अच्छे से क्लास डिफरेंस दिखाया जाएगा, लेकिन नहीं, कोई भी सोशल अवेयर इसके अंदर नहीं दिखाया जाता कि हाँ यार इनके ऊपर ये एक मैसेज दिया गया, नहीं वो सब बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके अंदर एक स्पोर्ट्स का हम जब ट्रेलर देखा तो स्पोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर बॉक्सिंग करते हुए वेदा दिखती है, लेकिन वो भी बस एक नाम मात्र का ही सीन है, उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया गया। बस पता नहीं क्यों उस सीन को डाला गया, क्या वो चीज दिखाना चाहते थे, ना कोई सोशल अवेयरनेस इसके अंदर है, ना वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इसके अंदर चीज हमें देखने को मिल रही है, फिर ना ही इसके अंदर हमें कोई जॉन इब्राहिम जो इसके अंदर दिखाए गए हैं उसका कोई इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है कि वो आर्मी ऑफिसर है, उनको आर्मी ऑफिसर क्यों दिखाया गया, कोर्ट मार्शल उनको दिखाया गया, उसके पीछे रीजन क्या था, कोई भी नहीं। अरे मुझे एक बॉलीवुड की जो घटिया सोच है वो समझ में नहीं आती कि आपको एक आर्मी ऑफिसर ही दिखाना है एक हीरो, और वो भी एक ऐसा आर्मी ऑफिसर जो अपने आर्मी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जो एक कोर्ट मार्शल हुआ है, बस आर्मी को ही दिखाना है कि आर्मी ऐसा कर सकती है। अरे क्या जरूरत थी आर्मी को इन सब चीजों में लाने की, एक सिंपल सा दिखा देते, एक फाइटर सा दिखा देते तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ रहा था, आर्मी ऑफिसर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एक सिंपल फाइटर होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। बॉलीवुड ने तो लगता है कि यार दिमाग लगाना ही छोड़ दिया है, वही पुराना कॉन्सेप्ट उठाएंगे, वही उसके ऊपर मूवीज बना डालेंगे। आज की डेट में आप ये मूवीज दिखा रहे हो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखा रहे हो दलित वर्सेस स्वर्ण का, ये कहां हो रहा है? मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीजें दिखाओ जो इस लेवल का आपने इसमें भेदभाव दिखाया। चलो मान लो एक पल के लिए हो भी रहा, उसके ऊपर सही ढंग से दिखाना, उसके बारे में डेप्थ से दिखाना, वो सब चीजें कहां रह गई? बस आपने एक नाम के लिए उसको यूज कर लिया। अरे देखो दलित वर्सेस स्वर्ण आम दिखाएंगे, कुछ लोग तो आ जाएंगे ना देखने की, हमने हाँ यार देखो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज कर दी है जो समाज के अंदर, देश के अंदर जो एक जाति प्रथा के अंदर भेदभाव चल रहा है, हमने उसको उजागर कर दिया। अरे बिल्कुल भी नहीं, जय भीम मूवी जाकर देखो, उसके अंदर जिस तरीके से खूबसूरती से चीजों को बाहर निकाला गया, वो होती है मूवी जहां पर हमें देखने को मिलता है कि दलित परिवार के साथ कैसे वो ऊपर आते हैं, कैसे कानून का
उसके अंदर यूज किया गया, वो है वाकई मूवी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, भर भर के तो इलॉजिकल सीन है। फाइटिंग सीक्वेंस के नाम पर कोई भी ढंग का सीन हमें देखने को नहीं मिलता यार, वो सिर्फ गन चलाना मार धाड़, उसे कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं बनता है इस मूवी के अंदर। सोशली अवेयर की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं, कोई खेल से रिलेटेड इनके अंदर कोई बढ़िया चीज दिखाई गई बिल्कुल भी नहीं, कोई आपको यहाँ पर बढ़िया फाइटिंग देखने को मिली हो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर इसकी एंडिंग जिस तरीके दिखाई गई वो इसका गुड़ गोबर कर देती है मूवी की। ये वेदा जो है, जो दलित लड़की है, इसको पूरी नॉलेज है कि दलित के लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं, एससी कम्युनिटी के लिए क्या क्या प्रावधान लाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये सब चीजें जानती है। लेकिन के बाद भी यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। वाह यार कमाल है, इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी वहां पर इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, वहां पर सब कुछ चीजें हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा, कमाल हो गया यार। मतलब किस लेवल की चीजें हमें देखने को मिल रही। मेरी तरफ से देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10। मेरा दिमाग खराब हो गया यार इस मूवी को देखते देखते, मतलब इतना सर में दर्द कर दिया इस मूवी ने। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करने वाला कि आप इस मूवी के ऊपर अपना एक रुपया भी या इवन पैसा भी बर्बाद करें इसके ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।